बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, वैसे ही है क्वेश्चन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन डिस्कस किए, लेकिन इसको थोड़ा सा टेक्निकल लिखा हुआ है। व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वो कह रहा है कि कौन सी ऐसी एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट होगी, किसमें से, इस वाली वैल्यू में से। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, अगर मैं इस वर्ड को मैथमेटिकली लिखूं, वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड, यानी ये जो लिखा हुआ है आपके पास, वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, यानी इस टर्म में से क्या माइनस करें, यानी क्या माइनस करें, कोई एक फ्रैक्शन, मतलब ये वाली कोई फ्रैक्शन होगी, मतलब इस तरह की। तो ये क्वेश्चन हो गया, अगर हम इसको उल्टा पढ़ें, यानी ये एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करें, में से सब्ट्रैक्ट करें क्या रैशनल एक्सप्रेशन, कोई एक एक्सप्रेशन। दोबारा देखिए, ऐसे वर्ड एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, या आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट किया क्या एक अनदर एक्सप्रेशन, उसको मैंने सपोज कर लिया कि वो ये एक्सप्रेशन है, टू गेट, टू गेट का मतलब इक्वल क्या आना चाहिए, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। तो टेक्निकली आपने ये वाली एक्सप्रेशन फाइंड करनी है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें, यानी एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट इसके इक्वल आता है। ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया जैसे मैंने ऐसे लिखा है, फाइव में से क्या माइनस करें, अगर आप इसको ऐसे समझ लें, फाइव में से क्या माइनस करें कि आपके पास टू आ जाए, ये अननोन है। फाइव में से क्या माइनस करें कि ये वाला वैल्यू आ जाए, तो इसका आसान तरीका आपके पास ये है क्या कि आप ये वाली वैल्यू उधर ले जाएं और ये वाली वैल्यू इधर ले आए। तो ये देखें, फाइव ये वाला टू प्लस का यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू माइनस की वहां पे जाके प्लस की हो जाएगी, तो फाइव माइनस थ्री टू, फाइव माइनस टू, तो इसका रिजल्ट आ गया थ्री। तो फाइव में से आप थ्री माइनस करें तो आपके पास टू आता है। अगर आप इसकी नेमिंग करना चाहते हैं तो ऐसे ए लिख लें, अगर सपोज दैट ए आपने लिख लिया तो वैसे भी कर लें, इस तरह करके देख लें तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री। तो आपने भी ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है। तो अगर हम लेट कर लें, ये वाली एक्सप्रेशन क्या है आपके पास ए, तो बेसिकली आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये वाली एक्सप्रेशन। तो इसको हम कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे भी मैंने वहां पर लिखा है, कैसे कि टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन डिवाइडेड बाई एक्स के प्लस एक्स माइनस सिक्स, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो है वो उठा के हम इधर लेंगे, ये पूरी यहाँ पे प्लस की नहीं लिखी, यहाँ पे आगे माइनस की हो जाएगी, तो ये एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, और ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी, यानी माइनस ए वहां पे जाके ए हो जाएगा आपके पास। तो टेक्निकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या होगी जब हम इस वाली एक्सप्रेशन को, इस वाली एक्सप्रेशन को ये जो लिखा है आपके पास, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से, x माइनस वन और x माइनस टू में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें ये वाली एक्सप्रेशन जिसका नाम a लिखा है वो मिल जाएगा। बिल्कुल आप इसको इस तरह फॉलो कर लें तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। तो आप बेसिकली हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो मैं अब बाकी पार्ट रेज कर रहा हूं यहां से और उसको सिंप्लीफाई करता हूं। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। तो यहां पे मैं लिखता हूं, देर इज टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस सेवन, और नीचे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, और फिर माइनस ये एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, ठीक है, इसकी गिनती भी ब्रैकेट में डाल देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, और इसका जो रिजल्ट होगा वो ए की इक्वल होगा, यानी ए की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से पहले ये देखिए प्लस माइनस ही हो रहे हैं, तो आपने इनका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने से पहले देखें कि इनके फैक्टर बन सकते हैं तो उनके फैक्टर बना लें। तो पहले ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है क्या, टू एक्स के प्लस टू एक्स माइनस सेवन, तो चेक करें क्या इसके मिड टर्म हो सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसके मिड टर्म होंगे, बहरहाल हम चेक कर लेते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे माइनस सेवन। आप ऐसे करना है कि ये आपके पास 14 बनता है, तो 14 के लिए आपके पास 7 और 2 ही बन सकता है, क्योंकि 14 पे सिर्फ दो ही नंबर डिवाइड होते हैं, यानी 7 और 2 का,
सेवन और टू को देखिए तो ये टू नहीं बनता, तो इसका मतलब इसके फैक्टर नहीं बनते, तो इसको इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसके फैक्टर नहीं बनते, ये ऐसे ही रहेगा आपके पास, इसको वैसे ही लिखे रहने दे। नीचे वाले टर्म की ट्राई करेंगे फैक्टर बनते हैं कि नहीं बनते, आई होप कि इसके बन जाएंगे आपके पास फैक्टर मिड टर्म ब्रेक मेथड से। और मैं मिड टर्म को काफी दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट, फिर यहाँ पे भी ब्रैकेट -6 साइन ना लिखे, तो आई थिंक यहाँ पे अगर आप 3x लिख लें, यहाँ पे आप 2x लिख लें, तो चेक करते हैं कि ये कामयाब है, ठीक लग रहा है मुझे। अब आप इसमें से कॉमन लें तो यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 3, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो x प्लस 3 आ गया आपके पास, यहाँ से आपके पास x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये बन जाएगा आपके पास इधर से फैक्टर्स x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 2, और इस वाली टर्म के फैक्टर नहीं बन सकते, ये ऐसे रहेंगे। अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है, किस किस का एलसीएम लेना है, इन वैल्यूज का एलसीएम लेना है जो डिनोमिनेटर में लिखी है, इसका और इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का तरीका मैं लिख चुका हूं, वो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है इट विल बी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाई अनकॉमन फैक्टर। तो एलसीएम इज कॉमन फैक्टर कौन से है आपके पास, जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपके पास लिखी हुई है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, यानी आपने x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 का एलसीएम लेना है। कॉमन फैक्टर अगर आप इसमें से देखें तो x माइनस 2 है, ये कॉमन फैक्टर है, दोनों में मौजूद है। और अनकॉमन फैक्टर कौन सा है, वो आपके पास x प्लस 3 है। तो एलसीएम क्या बन जाएगा आपके पास, एलसीएम इज कॉमन फैक्टर विच इज x माइनस 2 और अनकॉमन फैक्टर विच इज x प्लस 3। तो ये आपके पास वैल्यू लिखे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपके पास ये वैल्यू इसके साथ डिवाइड होगी, जो बचेगा वो ऊपर लिखा जाएगा। अगर इस केस में आप देखें, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और मैं डायरेक्ट ही इस केस में आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। ये वैल्यू जब इसको डिवाइड करेगी तो x माइनस टू से x प्लस थ्री से कैंसिल हो जाएगा। स्टिल अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि x माइनस टू इंटू एक्स प्लस 3 को डिवाइड करेगा कौन सा नंबर, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो आप ये देखिए, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, 1 जो है ये इस वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, यानी इन दोनों से डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है वो ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। इन दोनों को डिवाइड करके रिजल्ट हमारे पास 1 आया, वो इसके साथ मल्टीप्लाई। फिर माइनस, ये जो x माइनस 2 है इसको डिवाइड करेगा, तो हम चेक कर लेते हैं क्या बनता है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइड होगा किसके साथ, x माइनस 2 के साथ, तो ये इसके साथ कैंसिल, तो रिमेनिंग कितना रहेगा, x माइनस 1, तो x माइनस 1 जो है मल्टीप्लाई होगा x माइनस एक्स प्लस 3 के साथ, ठीक है। इनको डिवाइड करने से x प्लस 3 बचा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई। अब जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, ठीक है, माइनस ये ब्रैकेट डाल के रखते हैं, ये जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये वाला जब x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3x, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा। हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे आपके पास क्या लिखा है, 2x के प्लस 2x माइनस 7, फिर ब्रैकेट, फिर माइनस, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, x के, इसको अगर आप लिखें तो ये प्लस 2x, ठीक है, और ये माइनस 3 डिवाइडेड बाई, ये प्लस 3x माइनस एक्स, ये प्लस 2x बना और ये माइनस 3 डिवाइडेड बाई, आपके पास क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 2x के प्लस 2x माइनस 7, ब्रैकेट चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो मैंने इनके टर्म के साइन चेंज कर दिए,
डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अगर आप ये देखिए ये वैल्यू इसके साथ माइनस हो रही है तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस टू एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस सेवन लिखा है और ये प्लस थ्री लिखा हुआ है तो ये माइनस फोर हो जाएगा आपके पास। और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। ठीक हो गया यहां तक कोई क्वेश्चन? आई होप कि यहां तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर के फैक्टर बन सकते हैं, ये हम बहुत दफा बना चुके हैं तो मैं यहां पे इसके फैक्टर बना देता हूं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर के फैक्टर बनाए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो इसके फैक्टर ये किससे मैच कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर फोर के क्या होंगे, फोर के फैक्टर लिखने, फोर के फैक्टर, फोर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो टू मल्टीप्लाई बाई टू विच इज टू पावर टू, तो ये टू पावर टू हो जाता है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका मतलब इसकी जगह पे हम एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। तो ये देखिए ये इसी के साथ कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा आपके पास, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।